आज जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर जी और डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में हम लोग पदयात्रा पर निकले हैं और इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए घर घर हम लोग जाएंगे और उनकी बात को अध्यक्ष जी के पहुंचाएंगे। और जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी और जो और सारी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है मुद्दा, इनसे तो परेशान है और इनको हम जागरूक करेंगे, लोगों घरों तक जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इससे समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा, आपके सेनपुर से लगभग कितने लोग आए होंगे? हमारे सेनपुर से सैकड़ों लोग हमारे साथ आए हैं और माननीय विधायक जी डॉक्टर संग्राम यादव के साथ जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ इस रैली में लगभग कितने, आपके अनुसार कितने लोग शामिल होंगे? हमारे अनुसार यहाँ जो है कम से कम जो है 20,000 आदमी लोग आए। अच्छा, यहाँ रैली तो, और इस हुजूम को आप समझिए कि कवर करने में दिक्कत हो रही थी, इतने लोग आए हैं और जनता रोड पर इस महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वयं आ रही है, किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो क्या मानते हैं आप आगामी चुनाव में यहाँ अतरौलिया से क्या होगा? अतरौलिया से इस बार खदेड़ा होने वाला है। अतरौलिया की जनता भाजपा का खदेड़ा करेगी और एक बार फिर माननीय संग्राम यादव जी को विधायक बनाकर अखिलेश यादव जी को। अच्छा, पिछली बार तो बहुत कम वोटों के अंतर से जीते थे, क्या उम्मीद है आपको इस बार? जी हाँ, इस बार जो है देखिए हमारा समीकरण अलग है क्योंकि जनता उस समय गुमराह हुई थी, कुछ बहकावे में आई थी भाजपा की, लेकिन इस बार जो है सारे लोग 5 सालों में देख लिए उसके करतूत को, इसलिए एकजुट होकर इस बार हर बिरादरी, हर जाति के लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और बहुत भारी बहुमत से डॉक्टर संग्राम यादव जीते। धन्यवाद। Thank you.